उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को अपने पुनर्प्राप्त जन्म दिवस पर आशीर्वाद स्वरूप 42 लाख रुपए मिले हैं। वहीं 32,000 से अधिक परिवारों ने उपहार दिए हैं। ये जानकारी मंत्री नंदी के मीडिया प्रभारी बालाजी केसरवानी ने देते हुए बताया कि लाखों लोग हर साल मंत्री नंदी के पुनर्प्राप्त जन्म दिवस समारोह में सम्मिलित होकर यथाशक्ति उन्हें उपहार एवं आशीर्वाद देते हैं और दीर्घायु की कामना करते हैं। जिस तरह लोग अपने परिवार के लोगों, मित्रों व रिश्तेदारों को जन्मदिन या फिर अन्य शुभ अवसर पर उपहार देते हैं, इस वर्ष भी मंत्री नंदी ने भव्यता के साथ पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव मनाया तो 32,475 परिवारों द्वारा उन्हें उपहार स्वरूप आशीर्वाद दिया गया। उपहारों की राशि को जोड़ा गया तो वह आंकड़ा 42 लाख रुपए से अधिक का रहा। मीडिया प्रभारी ने बताया कि इस पुनर्जीवन को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मानते हुए ही मंत्री नंदी प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को अपना पुनर्प्राप्त जन्म दिवस मनाते हैं। प्राचीन मनोकामना पूर्ति शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हुए लोगों को भोजन प्रसाद खिलाया, जिसमें प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से आए हजारों लोगों ने मंत्री नंदी को आशीर्वाद दिया। करीब 2 लाख से अधिक लोगों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। मंत्री नंदी ने दावा किया है कि समारोह में करीब 3 लाख लोग शामिल हुए। इस दौरान हजारों लोगों ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप उपहार भेंट किया, जिसमें एक सोने का चैन, एक सोने की अंगूठी के साथ ही नगद धनराशि उपहार स्वरूप दिया। नंदी ने कहा कि लोगों द्वारा दिया गया आशीर्वाद और उपहार मेरे लिए अनमोल है, जो कर्मपथ पर अग्रसर रहने के लिए निरंतर उर्जित करता रहता है।